गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस ऑनलाइन जमात विच एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपां पंजाबी पाठ पुस्तक भाग 7 दा पाठ 3 पढ़ांगे, जिसका नाम है पंजाब दी लोक गायिका सुरिंदर कौर। प्यारे बच्चों, यह एक जीवनी है जो डॉक्टर हरिंदर कौर जी दी लिखी हुई है। सुरिंदर कौर दे नाम तो सारे ही वाकफ हैं कि वो एक मशहूर गायिका रहे हैं, जिन्हां ने पंजाब दे सभ्याचार नाल रिलेटेड गाने गाए, ते अज भी वह लोगों के दिलों ते राज करते हैं, ते अज भी लोग उन्हां दे गाणियां नूं बड़ी रीझ नाल सुनते हैं। बाकी आपां सारा चैप्टर विच सारा कुछ दिता होया है, आपां उहदे बारे पढ़ांगे। बच्चे, जिहड़े कलाकार हुंदे ने किसी भी कौम का अमुल सरमाया हुंदा। अमुल मतलब जिन्हां दी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, कोई मुल नहीं हुंदा उहनां दा। सुरिंदर कौर पंजाब दी ही नहीं, उहनां ने अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लैवल ते प्रसिद्धि हासिल कीती। उहनां ने अपनी सुरीली आवाज़ सदका पंजाबियों के दिलों पर राज किया। बेटा, सुरीली आवाज़, मिठी आवाज़, बहुत अच्छी आवाज़ सी उन्हां दी। अज भी जे कोई परिवार च ये गाने सुनदा उन्हां दे, तां जे नहीं भी सुनदे, ये पाठ पढ़न तो बाद जरूर सुन के देखियो कि जो खनक उन्हां दी आवाज़ च सीगी, वो बाद विच आपां नूं पंजाबी गाणियां विच देखण नूं नहीं मिले। कहिंदे सुरिंदर कौर दीआं दो भैणां होर सन, नरेंद्र कौर ते प्रकाश कौर। कहिंदे तिन्नां भैणां ने प्रसिद्धि प्राप्त कीती, पर जो शौहरत ते माण सुरिंदर कौर जी नूं प्राप्त होया, वो दोनों भैणां नूं नहीं होया। सुरिंदर कौर दा जन्म 25 नवंबर 1929 ईस्वी नूं दीवान बिशन सिंह जी दे घर माता माया देवी दी कुखों लाहौर विखे होया। उन्हां नूं कहिंदे बचपन तो ही लोक संगीत नाल ते शास्त्रीय संगीत नाल लगाव से। उन्हां ने बहुत उस्तादां तो इस बारे सिख्या ली, जिस तरह कहिंदे गुलाम अली खान दे भांजे अनायत हुसैन तो उन्हां ने शास्त्रीय संगीत की सिख्या ली। पटियाले घराने दे शास्त्रीय उस्तादां तो शास्त्रीय संगीत, गज़ल, ठुमरी की सिख्या ग्रहण की। काफ़ियाँ गाउण दा हुनर, ढंग, मतलब उन्होंने कुंदन लाल शर्मा तो सीखा। मतलब कि उन्होंने कहिंदे कोई मौका हथों नहीं गवाया, जितों भी उन्होंने सीखण लई मिलिया उन्होंने सीखण की कोशिश की। 12-13 साल की उम्र विच ही कहिंदे उन्होंने लाहौर के रेडियो स्टेशन तो गाया। उत्थे उन्होंने बच्चों के प्रोग्राम विच हिस्सा लिया, तो इत्थे उन्होंने पहला गीत गाया। जिस तरह पूछा जाए कि उन्होंने अपना पहला गीत कितनी उम्र में गाया, तो तुम की कहोगे? 12-13 साल की उम्र में। उन्होंने आवाज़ तो प्रभावित होकर कहते रेडियो स्टेशन तो अक्सर गाने का उन्होंने मौका दिता गया। जल्दी उन्होंने प्रसिद्धि वधी, तो उन्होंने हिज मास्टर्स वॉइस कंपनी वाले ने ते फिल्म इंडस्ट्री वाले ने उन्होंने गाने लिए बुलाया। नवंबर 1943 विच उन्हां दा सब तो पहला गीत मावां ते धीआं रल बैठियां नी माए रिकॉर्ड होया। बच्चों, ये सुहाग है, जिहड़े सुहाग दा मतलब जिहड़े विआह कुड़ियां दे गीतां विच गाए जांदे हन उन्हां नूं सुहाग कहिंदे हन, जिहड़े गीत मुंडिआं दे विआहां विच गाए जांदे हन उन्हां नूं घोड़ियां कहिंदे हन। ते कहिंदे अज वी बेटा जिथे किते विआह शादी दा प्रोग्राम हुंदा है, सुरिंदर कौर दे अक्सर गीत उन्हां व्याहां विच सुने जांदे हन जदों लोक रात नूं गाने गाते हैं, गीत गाते हैं। फिर सुरिंदर कौर जी का विआह जोगिंदर सिंह सोढ़ी जी नाल 1948 ईस्वी विच होया। कहिंदे कुछ समा मुंबई रहे, पर फिर वह अपने परिवार समेत दिल्ली आ गए, ते इत्थे आ के उन्होंने अपनी गायकी दा मुढ बन्निया। उह कहा उन्होंने कि उन्हां नूं गाउण लई जदों भी वह गाते हैं इलाही सुरूर मस्त हो जाए, इलाही सुरूर मतलब रब्बी मस्ती, उन्होंने एवं लगता जिवें रब नाल इकमिक हो गए हैं।
और एक कुदरती गल है बच्चों, कोई भी काम या कोई भी गल जब अपन दिलों करते हाँ वह एक वक्रा आनंद होंगे। अपन पता होंगे कि अपने दिल चो निकली हुई आवाज़ है वो। इस तरह कहते सुरेंद्र कौर के अपने शब्दों, उन्होंने कहा भी है कि शौक उन्होंने रब ने लाया से ते रब की अपार कृपा नाल पूरा होया ते हुंदा रहेगा। सुरेंद्र कौर जी ने वधेरे करके कहिंदे गज़लां साहित्यक गीत लोक गीत गाए। लोक गीत की हुंदे हन बेटा, जिहड़े लोगों की बोली विचों उपजदे हन, जिहड़े अपां दे दिन चर्या विच शामिल जो बोल हन, आदतां हन, रीति रिवाज हन, संस्कार हन, इन्हां सब विचों जो उपजे गीत हुंदे हन उन्हां नूं मुख रख के उन्होंने गीत गाए। कहिंदे अज भी ब्याहवां दा जिहड़ा लेडी संगीत दा प्रोग्राम है उदों तक पूरा नहीं मन्ना जांदा जदों तक उन्हां दे गीत उस विआह विच ना गाए जाण। कई गीत उन्हां दे जिहड़े मशहूर होए हन उह लेखक ने नीचे भी दित्ते हन लेखिका ने। सड़के सड़के जांदीए मुटियारे ने, कंडा चुभा तेरे पैर बांकीए नारे ने, मावां ते धीआं रल बैठियां नी माए, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबल असां उड जाणा, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माई आ। साडा चिड़ियां दा चंबा वाला गीत है जिहड़ा, कहिंदे पहलां तां बच्चे तिन्नों भैणां ने गाया, प्रकाश कौर, सुरिंदर कौर ते नरेंद्र कौर। फिर कहिंदे यही गीत तीन पीढ़ियाँ सुरिंदर कौर, उन्हां दी बेटी डॉली गुलेरिया, अगर डॉली गुलेरिया दी बेटी सुनैना ने गाया, ते कहिंदे ये गीत बहुत मशहूर होया। उस तो बाद प्रकाश कौर ते सुरिंदर कौर दोनों ने जिहड़ा गीत गाया सड़के सड़के जांदी है मुटियारे ने, बहुत मशहूर होया। इस विच्चों बेटा बाई चांस तुहानूं पुछा जाए सुरिंदर कौर दी बेटी दा नाम डॉली गुलेरिया, उन्हां दी दोहती दा नाम की है सुनैना। सुरिंदर कौर दे जिहड़े गाए गीत हन, आपां पहलां भी गल कीती है कि पंजाबी सभ्याचार दे मूंह बोल दी तस्वीर हन, ते इस पंजाबी सभ्याचार दा हिस्सा ही बन गए हन। कहिंदे दूजी गल उन्हां दी जिहड़ी गायकी है साफ सुथरी है। क्यों साफ सुथरी दा मतलब उहदे विच कोई अश्लीलता नज़र नहीं आती। उन्होंने हर गीत नूं रूह नाल गाया, चाहे उन्होंने घोड़ियां गाइया, सुहाग गाए, मानवी हावा भावों की तर्जमानी करते लोक गीत गाए, मतलब हर गीत का अपना वक्रा रंग है। कहिंदे उन्हों का सिरकट गायका, सिरकट गायका मतलब मशहूर गायका, जो उन्हों का नाम जिंदा है तो वो पिछे उन्होंने पति का भी हाथ है, सरदार जोगिंदर सिंह सोढी जी का। कहिंदे उन्हां लई कवितावां लभ के लियांदे, फिर उन्हां नूं संगीत दीआं धुनां ते उहनूं सुरिंदर कौर नूं गाउण लई आखदे। कहिंदे रोज़ाना अभ्यास करन लई वी कहिंदे, रियाज़ करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करनी। कहिंदे सुरिंदर कौर जी ने अमृता प्रीतम, मोहन सिंह, शिव कुमार बटालवी इन्हां दे गीतां नूं वी अपनी सोहणी आवाज़ विच गाया। शिव दा प्यारा गीत लंघ आ जा पत्तन चन्ना दा यार, कहिंदे ये भी उन्हां ने गाया ते लोकां दे मनां विच वी वसिया होया है। सुरिंदर कौर दी आवाज़ विच कहिंदे श्रोतियां नूं, श्रोते हुंदे आ सुणन वाले, किन्नी किन्नी देर तक बिठाण दी समर्था सी उन्हां विच, कील रखण दी, कील के मतलब लोक इक तक हो के उन्हां दे गीतां नूं एक लगातार सुन सकते सी, इन्नी उन्हां विच समर्था सी कि लगातार किन्ने किन्ने गीत उन्हां दे सुने जा सकते सन। इहदे पिछे कहिंदे इह कोई गुण सी जिहड़ा एक दिन विच नहीं सी आया, इस दे पिछे उन्हां दा वरियां दा रियाज़, वरियां दी सालां दी प्रैक्टिस काम करदी सी। उह सधारण लोक साजां दी वरतों करदे सी बेटा, जिवें अज कल गायकी दे नाल इन्ना इन्ना इंस्ट्रूमेंट हन, उस वेले इन्ना साजो समान नहीं सी हुंदा गायकां लई, सिंपल कहिंदे जिहड़े साज़ सी उन्हां दी वरतों करदे सी। एक सुरिंदर कौर दा हत्थां विच घुंगरू फड़ के ताल देण दा अंदाज़, इहदा मतलब है कि उह हत्थां विच घुंगरू फड़ के जिवें जिवें गाउंदे सी उहदे नाल ताल दिंदे सी, म्यूजिक दिंदे सी, उहदे नाल नाल वी गा सकदे सी उह, है ना। लोक साजां नाल तां गाउंदे गाउंदे सी, पर इह उहनां दा एक खास गुण सी।
सुरिंदर कौर ने कहिंदे केवल पंजाब विच ही नहीं गाया, उन्होंने वक् वक् समय भारत के वड्डे वड्डे महानगर मुंबई कलकत्ता मद्रास बेंगलौर आदि देशों विच गाया जाके। उस तो बाद कहिंदे उन्होंने चीन रूस इंग्लैंड बाहरले देशों विच भी जाके गाया। अपनी गायकी दी लोगों के दिलों पर राज करने वाली है गायिका कहिंदे। कदों डैथ हो गई इन्हों की 2006 विच, पंजाबी जगत में कहिंदे हमेशा ले विछोड़ा दे गए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बेटा तुहाडा बन सकता है कि सुरिंदर कौर जी की डैथ कदों हुई, तो 2006 ईस्वी विच। उन्हां दीआं तीन बेटियां हन, डॉली गुलेरिया जो अक्सर गाँदी है, प्रमोदनी ते नंदनी। ते कहिंदे डॉली गुलेरिया नू गाउण दी दात विरसे च मिली है, वह हुण भी कदी कदाई गा लैंदे हन, ते उन्हां दी बेटी भी थोड़ा बहुत गा लैंदी है जिसका नाम सुनैना है। पर कहिंदे फिर भी सुरिंदर कौर दी मिसाल कोई नहीं है। सुरिंदर कौर अपनी मिसाल आप सन, वह पंजाबी गायकी नू समर्पित होके पंजा संगीत दी दुनिया विच अमर हो गए। समर्पित होना अपना आपा दे देना, अपने आप नू उस चीज़ दे हवाले कर देना जिस दे प्रति अपा कोई भी काम करते हाँ, उनू पूरी तरह अर्पण कर देना, अपने आप नू पेट कर देना। ये सी बच्चे तुहाडा चैप्टर, ये अभ्यास शब्दों के अर्थ वाक सारा कुछ तुसी पहला कर चुके हो, पर फिर भी अगर किसी बच्चे की कॉपी इनकम्प्लीट है, अपनी कॉपी पूरी करन दी छुट्टियां विच पूरी कोशिश करेगा, ताँ के छुट्टियां तो बाद आके उन्हों नवे चैप्टर हो जाएंगे, फिर अपना पुराना काम फिर अधूरा रह जाएगा। धन्यवाद।